पढ़ाई का आजम हो और आंखों में रोशन मुस्तकबिल का हसीन ख्वाब हो तो फिर गुर्बत और बीमारी मंजिल के सामने रेत की दीवार साबित होती है। इसकी ताज़ा मिसाल पेशावर के रिक्शा ड्राइवर की बाहिम्मत बेटी शफक है, जिसने इंतहाई गुर्बत और दुश्वार हालात में BSc मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके वालिदैन का सर फखर से ऊँचा कर दिया। कहती है इस मकाम को हासिल करने के लिए मुश्किल हालात का मुकाबला किया। नीचे एक ही रूम है, यही हमारा मेरा स्टडी रूम भी था और मेरा बेडरूम भी था, मेरा डाइनिंग रूम भी था, इसी में मेहमान भी आते जाते थे। तो ये काफ़ी मसला था मुझे इस चीज़ में कि मैं अपनी स्टडी को किस तरह कंटिन्यू करूं। लेकिन मेरा ये था कि जब भी मेहमान आते थे अगर मुझे लगता था मैं नहीं पढ़ सकती थी, पहले तो मैं कानों में उंगली रख के पढ़ती थी। शफक के वालिदैन अपनी बेटी की कामयाबी पर खुश नजर आते हैं। वालिदैन कहते हैं उनको अपनी बेटी पर फख्र है, जिसने नामसाइद हालात और अपनी अंतक मेहनत से गोल्ड मेडल हासिल करके पूरे खानदान का नाम रोशन किया। इसने मेहनत की है, अपनी मेहनत से कामयाबी हुई है। इसने इसने देखा कि मेरे बाप बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ा रहा है, तो उसने बहुत मेहनत की है। तो रात को आता है, बैठी होती मेरे लिए। गोल्ड मेडलिस्ट शफक की ख्वाहिश है कि हुकूमत PhD कराने में उसके साथ मदद करे, जबकि वो वालिदैन को हज करवाने की ख्वाहिशमंद है। जहानत और काबिलियत किसी रंग, नस्ल, मजहब, अमीरी और गरीबी का मोहताज नहीं होता। ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह ने शफक जैसी बाहिम्मत लड़की को अता की है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ नवाब शेर, पेशावर, अब तक।